10 बातें जो आप शायद नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में नहीं जानते। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत का उत्तर पूर्वी भाग बहुत सुंदर है, फिर भी भारतीय यात्रियों के बीच यह अनएक्सप्लोर बना हुआ है। संभवतः हम इस क्षेत्र में मौजूद कुछ क्षेत्रों को भी नहीं जानते हैं। और अब तक अगर आपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में सुना होगा, तो यह मुख्य रूप से उन सभी गलत कारणों से हो सकता है जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म को किसी न किसी तरह से प्रभावित किया है। लेकिन वहां का पता लगाने के लिए बहुत कुछ है और यह किसी आश्चर्यजनक से कम नहीं होगा। तो चलिए इन 10 चीजों को तोड़ते हैं जो शायद आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में नहीं जानते हैं। तो हे गाइस, मैं हूँ ट्रेवलर और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। नंबर 1, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सूर्योदय की भूमि। अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और दिन का सबसे पहला सूर्योदय आप यहां पर देख सकते हैं। नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। जी हां, आपने यह सही सुना, असम में माजुली में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इसका उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। और इसी के साथ आप ब्रह्मपुत्र नदी पर एक सुंदर सूर्यास्त भी देख सकते हैं। नंबर 3, एशिया का सबसे साफ गांव। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव शिलोंग में मावलिनोंग है, और यह हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक है, खासकर जो देश के शहरी क्षेत्र के निवासी है। मान लीजिए कि यह भारत के माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक अच्छा बेंचमार्क सेट करता है। यदि आपने अभी तक इस स्थान को नहीं देखा है, तो आपको इस स्थान पर एक बार अपनी जिंदगी में जरूर जाना चाहिए और स्वच्छ वातावरण को एंजॉय करना चाहिए। नंबर 4, विश्व में सबसे नमी वाली जगह। कथित तौर पर मेघालय में मावसिनराम लगातार उच्च वर्षा के कारण दुनिया में सबसे अधिक नमी वाली जगह है, और यह पूरी तरह से अलग यात्रा के अनुभव के लिए उत्तर पूर्व भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। और अगर आप भी बारिश और झरनों के शौकीन हैं, तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए और यहाँ की लाइफ को एंजॉय करनी चाहिए। नंबर 5, सबसे पुराना तेल का कुआं और भारत की पहली आधुनिक तेल रिफाइनरी। जी हाँ, क्या आपको पता है, असम की डिगबोई देश का सबसे पुराना परिचालन तेल का घर है, और पहली आधुनिक तेल रिफाइनरी के लिए भी इस जगह को जाना जाता है। नंबर 6, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय उगाने वाला क्षेत्र। मुझे लगता है कि यह पता लगाना काफी आसान था। और हाँ, यह जगह असम है, जो हरे भरे चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। असम राज्य आम तौर पर यात्रियों के बीच उत्तर पूर्व भारत पर्यटन की सूची में बहुत कुछ दिखाता है, और उनमें से एक चाय के बागान फेमस है। नंबर 7, भारत के मोस्ट साक्षर स्टेट। क्या आप जानते हैं, उत्तर पूर्व भारत के दो राज्य त्रिपुरा और मिजोरम भारत के सबसे साक्षर राज्यों के रूप में शामिल हैं। हालांकि 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केरल को अभी भी सबसे साक्षर राज्य माना जाता है। नंबर 8, ईस्ट का स्कॉटलैंड। हाँ, हम जानते हैं कि कश्मीर और केरल हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड माना जाता है। यह वास्तव में सुंदर परिदृश्य के साथ एक सुंदर गंतव्य है। नंबर 9, अपनी खुद की डाइवर्सिटी।
अपने भारत की विविधता के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 220 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, और यह सांस्कृतिक विविधता के विशाल मिश्रण से लदी है। नंबर 10, द राइनोस प्राइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया अच्छे पुराने दुर्लभ एक सींग वाले ग्रेट इंडियन राइनो के लिए भी जाना जाता है, और यह पूर्वोत्तर पर्यटन का एक और प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जो केवल देश के इस हिस्से में ही पाया जाता है। अगर आप भी ग्रेट इंडियन राइनो की एक झलक देखने चाहते हैं, तो आपको नॉर्थ ईस्ट जरूर जाना चाहिए। हे गाइस, होपफुली ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बी सेफ।